जब हम अपने टेंट्स वापस पहुंचे, मैं काफी डिसअपॉइंटेड थी बिकॉज़ मुझे मालूम था कि मैं टारगेट होने वाली हूं। डेड एंड है यार, ये तो डेड एंड होता है। मैंने रफ्तार सर को पहले ही बोला था, आज अभिषेक अगर नॉन इम्यून होता ना तो पिक्चर ही कुछ और होती। आई वॉज रियली स्केर्ड और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो। मैं सोच रहा हूँ या तो फिर मैं तेरे को चूज करूँ, अगर शरण मेरे को कहता भी है कि रोहन को वोट आउट कर, या तो मैं ट्राई कर। नाम लिख दियो। No. कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। आई वॉज जस्ट होपिंग कि टाई हो जाए अगर हो सकता है तो, नहीं तो शरण और शुभदा दोनों चले जाए। तू अगर इधर रहेगा तो हम छह जने हो जाएंगे, वैसे कुछ नहीं हो सकता। 6 वोट्स कैन सेव यू राइट अभिषेक, एंड स्टिक टू द प्लान गाइस। अवतार सर आए तो उन्होंने सीधी सीधी डील करी कि तुम शुभदा को बचाओ, हम शरण को बचाएंगे। तो ये बात जब हमारी आपस में चल रही तो इतने में एक मैसेज आया प्रेम इंट की तरफ से। एक छोटा सा बॉनफायर सेशन था जिसमें वो प्लानिंग, प्लॉटिंग, बकवास, लड़ाई झगड़े भूल के एक दूसरे के साथ बैठ के चिल करें। दिल से मिले दिल, मिली आंखों से आंखें, सब कुछ लुट गया मेरा, कर दो मुलाकातें। मैंने भी फिर उसको छोड़ा, टूटा अब ना दिल जोड़ा, सीधा जाके बोल दिया। पूछ लो उसने क्या बोला। क्या बोला? जा जा रे जा, तू जरूरी नहीं, बंदा था तू मेरा मजबूरी नहीं। अब तक के रोडी जितने भी सीजन हुए, इतनी लड़ाइयां कभी नहीं हुई हैं, तो अब ये टाइम था कि थोड़ा फन होता, थोड़ा हंसी मजाक होता। तो हम सब वहाँ बैठे थे, फन गेम्स खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। कन्विंस अ गर्ल और अ गाय टू गिव यू अ किस ऑन चीक। निश्को आजा। कन्विंस करना। हट बाहर में जा फिर। उस प्यारे से सेशन में जहाँ पे सब लोग सब चीजें भूल के आराम से खेल रहे थे, वहाँ रोडीज एक्सट्रीम में यार सब कुछ इतने प्यार से नहीं होएगा। आज हमारा रोडीज एक्सट्रीम का लास्ट वोट आउट था जो कि बहुत एक्सट्रीम होने वाला था। गैंग लीडर्स, हाउ्स इट गोइंग? गुड। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, गुड टू सी कि आप लास्ट वोट आउट तक अपने गैंग्स को एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में लेकर आए। इसीलिए मैं आप लोगों को आज एक तोहफा देना चाहता हूं जो सिर्फ आपके लिए नहीं है बट आपकी तरफ से आपके किसी एक गैंग मेंबर के लिए होगा। अपनी तरफ से जो भी आपको लगता है डिजर्व करता है या करती है, आप उनको एक जी शॉक देने वाले हैं। मेक श्योर आप एक ऐसे रोडी को दो अपने गैंग से हु हैज अर्नड दिस जी शॉक। ऑलराइट गाइस, मी अप, विल स्टार्ट विद यू कशिश। We'll go with Raftar. ये मेडल मैं शुभदा को देना चाहता हूँ। हाँ, प्रिंस। प्रीति। Ooh. Thank you. All right, Nikhil. It's actually a bit of a difficult choice क्योंकि काफी strong bond है दोनों के साथ। श्रुति काफी underestimate हुई है। Which is why I want to give this G-Shock to her. All right. Yahi nahi, I actually have something for the gang leaders also. What? I have only two. Ek Prince aap rakh lo. Number one. Khulna mat abhi. Okay. Char log. नॉन इम्यून है। प्रिंस आपके हाथ में एक ग्रीटिंग कार्ड है, प्लीज इसे खोलिए। टुडे
The non-immune roadies will vote out one roadie amongst themselves. जो कंपटीशन है ना वो ऑलरेडी इम्यून हो चुके हैं, दे प्रूव्ड इट. उनको आपस में कुछ करने की जरूरत नहीं है. जो नॉन इम्यून है चार लोग, वो अपने बीच में से एक रोडी को निकालने वाले हैं. शरण, प्रॉमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन. नाउ एट दिस स्टेज मैं अपने कंपटीशन को हटाऊं. पहला वोट है शुभदा. हम चारों में मुझे लगता है ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन है. अगला वोट शरण. अगले दो वोट एक ही जगह. ओह मैन. शुभदा, कितने पानी में होता ना एक इंसान उसको पता होना चाहिए. और अपने दोस्त ना गिनना भी गलत बात है और आपको करना चाहिए. I believe she's a competition for us. शुभदा, शुभदा 10 लड़कियां थी और मेरे दिमाग में यू वर ऑलवेज इन द टॉप 3. अभिषेक और सोनू, आपके गैंग से शुभदा को वोट आउट कर दिया, कुछ कहना है आपको? सर डिसाइड तो कुछ और हुआ था बेसिकली, बट वो चीज आई नहीं सामने. और रहा रोहन की बात, तो अगर मैं रोहन की जगह होता तो मैं शायद शरण को वोट आउट करता, क्योंकि कॉम्पिटिशन की चीज आ गई थी. रोहन ने बेसिकली डिसाइड अपने लिए नहीं किया, उसका एक शुरू से ना एक बड़ा प्यारा सा बॉन्ड है स्टार्टिंग से ही. तो शायद उसने कहीं ना कहीं श्रुति के लिए भी ये चीज करी है कि आगे जाके कहीं शुभदा और श्रुति को भिड़ना पड़े. उसका प्यार था, उसकी दोस्ती थी जो भी किया उसने. श्रुति, इतना बचा के रखना पड़ता है आपको. रणवीर जी, आई थिंक अभिषेक इज ऑल्सो गॉट इट रॉन्ग. आप समझ नहीं रहे हो अभिषेक, अगर कोई जेंडर न्यूट्रल टास्क होता ना, मैं अपने पैसे शुभदा पे लगाता, आप पे नहीं. आपके पास थे पैसे लगाने के लिए, आपने नहीं लगाए शुभदा पे. तो फिर ये क्या बोल रहे हो आप अपने पैसे लगाते? टॉप 3 उसको बोल दिया, पैसे जब थे तब आपने नहीं लगाए. तो मैंने बार बार कहा है कि मैंने ऑप्शन में गलती की है. गलती नहीं, बेवकूफी की है. Good journey, by the way. Thank you. You were good. Congratulations, guys. पहले आप कितने लोग थे? 20. आज कितने हो? 9. सेमीफाइनल्स में जाएंगे सिर्फ 8. कैन यू हैव द नेक्स्ट ग्रीटिंग कार्ड? इम्यून रोडीज विल वोट आउट वन रोडी out of the remaining 3 non-immune roadies. Sonu.
पहला वोट। शरण, अगला वोट श्रुति। अगला वोट है रोहन के खिलाफ। He should let the other gang member play for herself now. Agla vote, Sharan. Score. 2-1. Shruti. Agla vote hai Rohan ke khilaf. अगला वोट है रोहन आपके खिलाफ। Nikhil, didn't expect this. Neither did I. In no scenario. Neither did I. इन्होंने किया जो करना था. You didn't have it to do what was needed, Rohan. जब अपने बारे में सोचना चाहिए था और वो वोट अगर शरण के अगेंस्ट जाता और शुभदा की जगह शरण पहले चले जाता तो इस वोट में रोहन नहीं जाता। That's what we try and explain again and again. You guys think that we are just standing over here. Rohan, I was trying to tell you for so long. Bitten you back in the man. Shruti, here's the thing. इससे पहले वाले वोट में एक्चुअली रोहन ने ये बोला था कि मैंने शुभदा को निकाला बस मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये श्रुति की कॉम्पिटिशन बन सकती है और ये आपने अच्छाई में कर दिया क्योंकि आपने अपने बारे में नहीं सोचा। और रोहन ये बोला गया था यहां पर कि हमेशा ऐसा लग रहा है कि यू द ओनली वन थिंकिंग ऑफ हर इन रिटर्न, आपके बारे में इतना सोचा नहीं जा रहा है। देयर इज नो एक्सपेक्टेशंस, आई प्ले द वे आई वांट टू प्ले, आई डोंट रियली एक्सपेक्ट एनीथिंग ऑफ एनीवन। आप श्रुति से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते? नथिंग। Wow, Shruti. Kya chal raha hai, Shruti? What are you thinking? Clearly, aap upset ho. Kisse upset ho? Sir, aane se pehle hamari baat hui thi. Aur Nishkarsh ne dala hai mere liye wo vote, mujhe pata hai. Achha ji, tere ko pakka pata hai? I was hoping ki tu tie ke liye kar raha hai, Nishkarsh. Because hamari baat hui thi, tune kaha tha ki main try karunga ki tie ho jaye. इसलिए मुझे उस वोट का बुरा नहीं आया, मुझे होपिंग की टाई हो जाए। और आपने इतनी सारी चीज़ें बोल दी। सर गौरव आया था उस दिन, गौरव वो इंसान है जिसके लिए ना आई कैन किल माई सेल्फ, ही इज़ दैट क्लोज टू मी, वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है। आपने जब मुझसे इनिशियली सवाल पूछा आई लाइक शिट आई कांट चूज बिटवीन दीज टू, पर जब आपने बाद में मुझसे पूछा आई चूज दिस गाय, आप मुझे ऐसा बोल रहे हो। उसे नहीं एक्सपेक्टेशन उसकी है, बट माई वे ऑफ शोइंग लव इज डिफरेंट। I'm feeling bad. रणविजय टारगेट तो दोनों मेरे गैंग से ही थे, अगर नॉर्मल वोट आउट होता और डबल वोट आउट होता तो दोनों रोहन और श्रुति जाते। रोहन
These are not the 8 semi-finalists I wanted to see. कोई भी खुश नहीं है रोहन कि आप जा रहे हो. श्रुति नहीं है, गैंग लीडर्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लग रहे. मैं नहीं हूँ. श्रुति आप वहीं पर हो. आपको अपने लिए, निखिल के लिए और शायद रोहन के लिए भी परफॉर्म करना है. Here's the thing. कल आप लोगों का सेमीफाइनल टास्क है. उस टास्क में 3 टीमें होंगी. हर टीम में एक लड़की होना जरूरी है. कौन 3-3 और 2 होंगे ये आप लोग डिसाइड करेंगे और आप मुझे कल सुबह बताएंगे. जिसमें 2 वो उनका डिसएडवांटेज. बेस्ट ऑफ लक. कैंडिडेट्स good night, see you later in the day tomorrow. Congratulations guys. हम वापस अपने कैंप साइट पे पहुंचे. रोहन का वोट आउट हो गया था और ये वोट आउट आई थिंक मेरा सबसे सैडेस्ट वोट आउट था. Put in perspective, it's a game. If you want to cry, you can cry. But what you said that you wanted all along, you wanted an opportunity to perform and nobody's giving it to you, it's here now. मैंने श्रुति को जाके समझाया कि श्रुति, finish crying, go out and start talking to people और अपने आप को उस टीम में डालो जहाँ पे 3 लोग होंगे, 2 लोग नहीं. So अब ज़्यादा दुख बनाने का टाइम नहीं था. अब बात थी कल के टास्क की. काम करो तुम दोनों साथ में, श्रुति करो कुछ सोच के, ठीक है? कुछ भी तरह का टास्क कर सकते हैं. अगर स्ट्रेंथ आएगा तो यहाँ से ये संभाल सकते हैं. तो फिर कशिश और प्रीति अकेले बढ़ गए. नहीं, ये और वो अभिषेक मानेगा. वो मानना पड़ेगा. अभी मानना पड़ेगा गाइस. हाँ, if you wanna go then. मैं तुम्हें क्या, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ सोच के बोल रहा हूँ. इसके आगे मुझसे मत पूछना क्यों बोल रहा हूँ. तो हम लोग मिल के गैंग लीडर्स एंड द कंटेस्टेंट एक डिसीजन पे आए थे कि मैं, शरण और निष्कर्ष एक टीम में जाएंगे, अभिषेक, प्रीति और कशिश दूसरी टीम में जाएंगे और सोनू और सुरभि अलग जाएंगे. फिर हुई अगली सुबह सेमीफिनाले वाली और हमेशा की तरह, रोज की तरह ओपो F7 पर हमारे लिए मैसेज आया. द जर्नी इज अबाउट टू कम टू एन एंड एंड आई होप यू आर रेडी फॉर द सेमीफिनाले टास्क. ये टास्क हमें अपने फिनाले के करीब लाने वाला था और मैं बहुत खुश था. हमारी टीम बहुत अच्छी थी और हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे. हम सब जल्दी से रेडी हुए. और जैसे ही हम निकल रहे थे तो एकदम से मुझे सुनने में आया कि टीम जो है वो बदल रही है. कल तुम दोनों रात को साथ नहीं जाना चाहते थे. अभिषेक रात को आया था तुम्हारे पास लेकिन तुम लोग सो रहे थे. यार ये इतना इम्पोर्टेंट है, तुम उठा सकते हो. डोंट गिव मी द शिट. अभी तुम सुबह सुबह के बोल रहे हो, अभी ऐसे नहीं वैसे जाना है. रात को क्या किया फिर तुम लोगों ने यार? 5 मिनट पहले. एक मिनट. मतलब एक जीत के इतने पास आके मुझे वो एक बिट्रे सा फील हुआ. तुम्हें बहुत अपसेट होगी. इट्स माय इंडिविजुअल गेम. तुम लोग कौन हो मुझसे पूछने वाले कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा या ऐसे ले जाऊंगा? मेरी मर्जी है. तू जा रहे हैं, लड़की डिसाइड करो अभी. फाइनल तुम अपनी चॉइस बताओ. भाई तेरे को मैं तेरे पे छोड़ दिया. जल्दी बताओ. तो अपन दो जा रहे हैं तो फिर हम सुरभि के साथ जाएंगे. मुझे श्रुति के लिए बुरा लग रहा था कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. अब उसको सोनू के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कोई दिक्कत की बात नहीं है. बट 2 लोगों की डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट टास्क में हो सकती है. हम लोग टास्क लोकेशन पे पहुंचे. हमने देखा एक विलेज है वहां पे, यू नो, लकड़ी के घर बने हुए थे. हाइट्स पे घर थे, बच्चे ही बच्चे थे, बहुत सारी क्राउड थी, इकट्ठा हो रखी थी रणविजय सर को देखने के लिए. सेमीफाइनलिस्ट
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, amazing. Amazing. आज का जो टास्क है वो दो स्टेजेस में है. पहले स्टेज के बाद एक टीम नॉकआउट हो जाएगी. ये सुन के तो टेंशन आ गई. वो खुशी वाला माहौल थोड़ा टेंशन वाला माहौल फिर से बन गया. किस बेसिस पे आपने अपनी टीम्स बनाई हैं? कॉन्फिडेंस के बेस पे सर. सबसे पहले तो कौन कौन है? मैं, शरण और सुरभि. एक साथ खड़े हो जाइए. मैं, अभिषेक और शरण पहली बार इकट्ठे टास्क परफॉर्म करने वाले थे, तो हमें सेमीफाइनल की तो टेंशन ही नहीं थी. हम तो इसी खुशी में थे कि ये टास्क हम सबसे अच्छे करेंगे और दिखाएंगे सबको कि दोस्ती की पावर क्या होती है. ऑलराइट, दूसरी टीम क्या है? निष्कर्ष, प्रीति एंड कशिश. ओके, सोनू और श्रुति. हर बार की तरह मैं तो अकेला ही आता हूं. सर, हम दोनों की बिल्कुल दोस्ती नहीं है, लेकिन हम दोनों ने दिमाग में बिठा के रखा है कि इन सबको हराएंगे. मैं सोनू के साथ टास्क करने वाली हूँ, जिसकी शक्ल ही मैंने लाइफ में दो बार देखी होगी. मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं किस, कैसे होएगा ये टास्क? अरुणाचल प्रदेश को एंजॉय कर रहे हो? यस सर. यस, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट. ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल. और बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं यहाँ पर. उसमें से एक ट्राइब हीजा विलेज में रहता है, जिसका नाम है अपातानी. सब टीमें आज इस विलेज के अंदर जाएंगी और पहले स्टेज में आपको अपने क्लूज के साथ तीन घरों में जाना है. उन तीन घरों में हर टीम को 12 क्लूज मिलेंगे. जो 12 क्लूज पहले कलेक्ट करके ही वापस स्पॉट पे आ जाएंगे, उनका टाइम स्टॉप कर दिया जाएगा. काफ़ी सारे रूल्स हैं. सबसे पहले आप आपस में हिंदी में बात कर सकते हैं, लेकिन गांव के लोगों के साथ आप सिर्फ उनके डायलेक्ट में बात करेंगे. आप पता नहीं डायलेक्ट. तो वी वर लाइक, अच्छा क्या हमें आप लिख के दोगे या कुछ ऐसा, मतलब कोई ट्रांसलेटर साथ में होगा? जो कीवर्ड्स हैं वो आपको एक क्यू कार्ड में दिए जाएंगे, लेकिन कुछ जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के वर्ड्स होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा. रेडी टू ग्रास्प सम नॉलेज? यस. आलो आया, गुड डे. आलो आया, आलो आया. आर यू ओके का है? नो आया सी धोनी आ. नो आया सी धोनी आ. थैंक यू. पाया आरो पाचो. पाया पाया. तो उन्होंने हमें सिर्फ चार शब्द बताए ट्रांसलेशन के, तो वो दिमाग के ऊपर से चले गए, कुछ समझ नहीं आया. मैंने डिसाइड किया कि सारे वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे और सिर्फ तीन वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. आलो आया, हेलो, आबा. ये तीन ऑनलोप है मेरे पास, आ जाओ. इस ऑनलोप के अंदर क्लूज हैं, डायरेक्शंस, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, और एट ऑल टाइम्स आप में से एक इनको अपने सर पे पहनेंगे. टास्क बहुत इंपॉर्टेंट था और टास्क टाइम बेस्ड था. इसमें हमें जल्द से जल्द क्लूज लाने थे, वरना हमारा सेमीफाइनल का सपना वहीं चूर हो जाता. इस टास्क का नाम है ब्रेन फ्रीज. ये आपका फेयर एंड हैंडसम लेजर 12 टास्क. ऑलराइट गाइस, 3, 2, 1 गो. जैसे हमने शुरू किया, पहला नाम पढ़ा, हम लोग घुसे, कभी लेफ्ट जा रहे हैं कभी राइट जा रहे हैं, हम लोग घर ढूंढ रहे हैं, हमें घर नहीं मिल रहा है किसी का. श्रुति, सोनू, तारू, तारा, मीनू. समझ से नहीं आया. क्या है वो? हम उन्हें एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर हम हिंदी बोलते हैं हमें पेनल्टी लगती है, और पिछले टास्क में हमने देख लिया कि पेनल्टी भारी पड़ती है. तो कुछ समझ नहीं आया था. फर्स्ट वाले में बहुत डिफिकल्टी हुई. हेलो आया दानी बुकर, दानू बुकर. तो जब हम उनके घर जा रहे थे तो हम बहुत जोर जोर से उनका नाम ले रहे थे. दानी बुकर, दानी बुकर, दानी बुकर. Walk first. दानी नाम तारे. अबे तेरे से नेम राइट. तेरे चल का, तेरे चल ना पूछ, ना पूछ. दानी नाम तारा. दानी नाम तारा. दानी नाम तारा. दांत आल आता. Finally, बहुत टाइम बाद हमें पहला घर मिला. हमने उनको ग्रीट किया. ले ले दा. येलो. ले रेड. बीमा, 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 बीमा.
हम उन्हें पूछ रहे हैं, वो बता नहीं रहे, हमें उनकी बात नहीं समझ आ रही, उन्हें हमारी बात समझ नहीं आ रही, वो हंस रहे हैं हमारी हालत पे हंस रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो रही थी क्योंकि हम हिंदी में बात नहीं कर सकते थे, हमने लोगों के घर उथल पुथल कर दिए। फिर भी अपने पागल हुई पड़ी है, कभी कोई बर्तन खोल के किसी में हाथ डाल रहे हैं, शरण ने तो पूरा घर तोड़ फोड़ मचाई हुई है, शरण कोई चीज यहाँ से उठा रहा है वहां फेंक रहा है। ये देख के मुझे लग रहा था कि ये लोग हमें अपने घर से भगा ही देंगे। Guys, come here, come here, find her. She's not saying no to this place. उसमें clue कहाँ है? एक clue में कुछ लिखा है, clue में। दिखा, दिखा, उन्हें ये लगता होगा ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, पागल लोग हैं, क्या कर रहे हैं? आ गया, चलो, आ जा, चलो, चलो। फाइनली थोड़ी देर बाद आके उनने ही हमें वो क्लू दे दिया और हम लोग वहां से निकल गए। क्लू क्लू उनको कैसे समझाया, क्लूज क्या है, क्लूज को क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब हम उनके सामने खड़े, उनको कलर दिखा रहे हैं, इस कलर का कुछ है आपके पास? हमने वहां से चार क्लूज किसी तरह कलेक्ट किए, हम आगे बढ़े। दानी बुकर, दानी बुकर, दानी बुकर, दानी बुकर, दानी बुकर, आलो आया, आलो आया। पहले एक लेडी निकल के आई, उसने अपने हाथ में क्लू लेके आया, उसने जल्दी से हमको वो क्लूज दिए, तो हमको लगा कि काफी इजी होगा और पास पास घर होंगे और जल्दी से हो जाएगा। आता आलो आले, आलो आले, आलो आले, आलो आले, आलो आले, वो तड़ा मक्का दो, आलो आले, आलो आले, लो प्लीज, हम पूरी को तोरा सिमुच में आ ओम सिनून मुली आठू ने तोरा। वो कहाँ पड़े थे चार यार, वो किसने मिल गए, मिल गए, चलो चलो चलो, चार है, चार है, चलो। मुझे बहुत जल्दी सेकंड क्लूज मिल गए, फिर हम थर्ड घर की तरफ चलना शुरू किया हमने। दानी चारा तारा, दानी चारा तारा तारा। ये क्या है, उनके यहाँ पे चाकू छुरी जैसा कुछ टंगा हुआ था, मुंह में एक पाइप था, एकदम पूरी उनकी ट्रेडिशनल वियर थी। आलो आया, आलो आया, आलो आया, आलो आया, आलो आया, आलो आया। उन्होंने हमें मीट दिया, तो पता नहीं क्यों मैंने और सोन ने सोचा कि चार पीस है, बोला एक लूज, चार पीस तो कुछ भी हो सकता है, स्टिक और तीन पीस मीट के, और हमने वो कलेक्ट कर लिया, हम वहां से निकल गए। हेलो आया, पूरा पाली तागो, सोनू बुला रहे। फिर उन्होंने हमें वापस बुलाया, वो हमारे साथ मजाक करते क्या करते, हमने कहा हाय अल्लाह, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट टास्क है, आपको मजाक की पड़ी है। हम वापस गए, उन्होंने हमें क्लूज दिए, हमारा काफी टाइम वेस्ट हुआ उधर भी। दानी गोयन बाबू, दानी गोयन बाबू, दानी गोयन बाबू, दानी गोयन। एकदम से एक छोटी सी लड़की हमारे साथ आ गई, उसने बोला कि मैं बताती हूँ कि कहाँ पे है। दानी गोयन, दानी गोयन, वो लेके जा रही है ना। आलो आया, दानी गोयन बाबू, हाँ तुम पे बाबू का करे। आलो आया, आलो आया, आलो आया, आलो आया, आलो आया।
थर्ड गर्ड बहुत ही ज़्यादा यू नो स्लोप पे था, तो हमें बहुत फास्ट फास्ट चल रहे थे, चढ़ाई थी, सांस चढ़ रहा था, धूप थी, बट दिमाग में बस एक ही जुनून था कि आज कर लिया तो बस फाइनल्स में पहुँचेंगे सीधा। बहुत जद्दोमहद करके हमें क्लू मिला थर्ड, और हम भागे, हमें क्लूज ढूंढ के एक पोल को टच करना था। 8 क्लूज ऑलरेडी मिल चुके थे, 4 बचे थे, एक घर रह गया था। मेरी स्ट्रैटेजी वही थी, हम खुद ढूंढने लगते, मुश्किल हो जाती। आते 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 क्या होता है? आते 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 आते। एक बंदा हमारे साथ चलने को रेडी हुआ, वहां पहुंच के भी वही एक कम्युनिकेशन गैप था कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम उनसे चाहते क्या हैं। नंदिता जी सिम लग बक तो नंदिता जी आलो आया आलो आया आलो आया। हमें टाइम लगा वहाँ पर, और अंदर से थोड़ी घबराहट हो रही थी कि रोडीज एक्सट्रीम में ऐसा हुआ है कि 9 सेकंड 3 सेकंड के बेसिस पे टास्क हारे और जीते गए हैं, तो वो जो डर था वो मेरे दिमाग में था। एंड फाइनली जैसे उन्होंने मेरी टोकरी में वो क्लू डाला, मैं बहुत ही स्पीड में वहाँ से वॉक करके निकली, और हम जल्दी 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 बस अपने एंड पॉइंट पर पहुँचना चाहते थे। लास्ट घर में एक लेडी थी, उन्होंने आई बाहर, उन्होंने हमारी शक्ल देखी, बोला कि मैं लेके आती हूँ क्लूज, और वो गायब है। शी टुक अ लॉट ऑफ टाइम, उन्होंने इतना टाइम वेस्ट किया उधर हमारे क्लूज ला के देने में। तो उन्होंने वो क्लू उठा के हमें दिया, हमने वो क्लू रखे, फिर हम पैदल पैदल चल दिए। हम वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर जाके हमने पोल टच किया, हमारा टास्क खत्म हो गया। मैं और सोनू काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि हमारा टास्क बहुत अच्छा गया है, मेरी और सोनू की कोऑर्डिनेशन इतनी बढ़िया जाएगी सोचा नहीं था, पर बाकी लोगों ने कैसा किया हमें इसका कोई आइडिया नहीं था। सेकेंड स्टेज में हम पहुंचे और अब हमारे गैंग लीडर्स भी हमारे सामने थे। प्रिंस सर मैं जानता था कि गुस्सा होंगे कि शरण ने उनकी बात की रिस्पेक्ट नहीं की। जो हमने पेयर डिसाइड किए थे वो पेयर थे ही नहीं, तो वहाँ हम थोड़े शॉक्ड हो गए थे कि क्या कंटेस्टेंट हमें बेवकूफ़ समझते हैं। भाई एट द एंड हम ये देखते हैं कि हम जितने मर्जी फैसले कर लें इनके लिए, ये करते वही हैं जिनको करना है। मैं कहता हूँ ये अच्छा है। yeah. हमने जो कल टीम चुनी थी अगर उसकी वजह से हार जाते तो आके बोलते कि सर आप लोगों ने हमें बोलता कि ऐसे जाओ, अब ये खुद गए हैं, अगर जीतेंगे हारेंगे इनके खुद के ऊपर। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आपने हमें टीम बना के दी थी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत हेल्प करी आपने, लेकिन ना जब आप टीम में होते हैं ना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपस में, खुद पे और साथ वालों पे, ये कॉन्फिडेंस है। अभी अगर मैं इनके साथ जाके हार जाता ना मेरी गलती से, तो ये एलिगेशन आती मेरे पे, तेरी वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाई, मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, तेरी वजह से हार गया। ये तीन लोग खड़े हैं ना, और आज हार भी जाते हैं ना एक दूसरे पे उंगली नहीं उठाएंगे, ये कॉन्फिडेंस था, तभी यहाँ तीन लोग इधर ऐसे खड़े। एंड मोमेंट पे ये स्ट्रैटेजी दिखा के या तो उसने हमें बिट्रे किया है या उसके मन में इतनी खोट था कि हमें बताना ही नहीं चाहता था। ठीक है दिया, चलो कोई नहीं, करा बिट्रे, कोई नहीं, कोई नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, करी थी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लिया, अब क्या बस तू मैं टा 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 टा। अभिषेक हां डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, ओके, अगर मैं बोल के आ गई ना यहां से नंगा जाएगा तो बच गया। प्लीज प्रीति, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या हो रहा है, क्या हो गया अभी 10 घंटे पहले हम इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, बोल एग्जैक्टली अब क्या हो गया, देर से मैंने तेरे से एक्सपेक्ट नहीं किया था, बकवास कर रहा है, मैं करूं, मैं कर रहा हूं बकवास,
मेरा गुस्सा बहुत जायज़ था क्योंकि अगर आप किसी को अपना अच्छा दोस्त समझते हो और वो पहले से आपको आके पूछे और बाद में आके मुकर जाए तो गुस्सा किसको नहीं आएगा। बट श्रुति सोनू बहुत अच्छा लग रहा है टू सी द टू ऑफ यू स्टैंडिंग देयर क्वाइटली कॉन्फिडेंट स्माइलिंग। सर मैं क्वाइट इसलिए हूं क्योंकि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को पता था ये मेरे साथ आई है नहीं कोई भी। पर शायद मेरे गैंग लीडर को मेरे लिए नहीं अच्छा लग रहा है कि मेरे को कॉर्नर किया गया था, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा था कि आजा सुरभि तेरे को ले लेते हैं। मेरे को किसी ने नहीं पूछा, मेरे पास कोई नहीं आया। मैंने एक प्रॉमिस तोड़ दिया तो मैं क्या मैं आई एम नो यू क्या मैंने एक प्रॉमिस तोड़ दिया मैं क्या आई एम नॉट टचेबल यू डोंट टॉक टू मी। एवरीबॉडी वाज फॉर्मिंग एन अलायंस, तुमने भी वही किया सुरभि। पर मेरे को बोला गया ना तू धोखेबाज है। एवरीबॉडी वाज प्लेइंग देयर गेम बट व्हेन आई प्लेड माय गेम मेरे को पता नहीं क्या मैंने कर दिया। मैंने क्योंकि बेटा लेबल तूने ही किया सबको, बाकी ने किसी को धोखेबाज नहीं बोला। यू केप टेलिंग एवरीबॉडी व्हाट दोगला इज व्हाट धोखेबाज इज। पर उन सब दोगले धोखेबाजों को माफ कर दिया गया, उसको बहुत प्यार मिलता है, वो सबसे बड़ा। तूने किसी को दोगला बोला ना? मैंने किसी को नहीं बोला। जितने धोखे कशिश तूने रोडीज की जर्नी में लोगों को दिए ना। एक सेकंड जब आप औरों पे क्लेम करते हो ना सुरभि। प्रीति तुझे कशिश ने क्या प्रॉमिस किया था? मेरे साथ खेलो। पागल है हम जो बोल रहे हैं? पागल पर मचा रखा है यार, किंडरगार्टन है ये। आप मैं ऐसे बात करोगे तो मैं क्या मैं रिस्पांस करूं? अब नहीं करूं Surbhi, क्या मैं कुछ बोलूं कि मैं नहीं बोलूं? You, he's giving you a taste of your own medicine. Because you scream. No, एक आर्ग्यूमेंट में ना कोई बायस नहीं होता, कोई एज का फैक्टर नहीं होता, कोई गैंग लीडर नहीं होता, कोई सेलिब्रिटी नहीं होता, कोई सही और गलत तो होता है Surbhi। गलत होता है और गलत थी। हर इंसान को अपना सही और गलत रखने का हक होता है और तुम उस दिन गलत थी हमारे नजरिए में। जो गलतियां मैंने की और सामने आई है वो इन सब ने की है। मेरी गलती होगी कि मैंने ओपनली बोल दिया हाँ मैंने किया है, पर ये सब में वो कह रहे कि मैं रोऊंगी, मैं ये करूंगी, फिर मैं I am an emotional person when there's I'm talking something sensitive I cry। You are an emotional fool। Yeah okay fine maybe in your eyes not in my eyes I am not an emotional fool। From next year please have a psychiatrist on the set before we take people in। तू तो नहीं बोला, बोला था मैंने मेरे में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बोला था पीआई में। हां तूने हमें एक सबक सिखा दिया है, अगले साल से हम ध्यान रखेंगे। ओके ठीक है ना, गलती हो गई तेरे को ले लिया। You all are breaking my confidence. I was a confident person when I came to Roadies Xtreme. I don't know how you handle your life. But I cannot change my attitude to 28 साल जिंदगी के स्ट्रगल करके लाइफ में मैं ऐसी बनी और I'm proud of myself। Surbhi, can I tell you something? She's all about me। अरे बोलने दे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम confident लड़की हो, if I got up at 8 in the morning and I gave you a hug and I wished you luck, it means it's okay। बात आप एक रात को बोल देते तो क्या चला जाता? तो सुबह बोल दिया। तो सुबह बोल दिया Surbhi, come here, hug it out, come here, it's okay। अब सबने डांट दिया, अब कर रहे हो अकल कर देते तो। चलो एक ही बात है, I'm still the same। कहीं ना कहीं नेहा मैम को रियलाइज हुआ, वो आए, उन्होंने मुझे हग किया और उस हक के साथ ही चीजें सॉर्ट हो गई, क्योंकि मैंने अपनी माँ को मना लिया था और मैं बहुत खुश थी। ये सारी चीजें हुई, फिर बारी आई रिजल्ट की। मैं पहले आपको टाइम्स बता दूं, फास्टेस्ट टाइम 10 minutes 36 seconds, जो कि डेफिनेटली अगले स्टेज में जाने वाले हैं। Boom! He took the name, and I was like, yes! Another gang, where my gang members there, is in the second half of the semi-finals. हम इतना खुश हुए और उसके बाद ऐसे लोगों को looks दे रहे थे अपने side वालों को। Dude, अब बोलो तुम क्या करोगे? अब तुम तुम्हारी choice थी ना, और कर लो तुम दोस्तों के साथ perform, और दिखा लो तुम दोस्ती, और बन लो तुम दोगला।
आप दोनों टीम्स में से एक टीम यहीं से वापस जाने वाली है। Oh man. दोनों के बीच में 6 मिनट का अंतर है। It's not close. मैं डर गया। मैंने कहा कि यहां से मैं घर नहीं जा सकता। बस मैं वेट कर रहा था कि ये दूसरा नाम मेरा होना चाहिए। सोनू और श्रुति, आपने किया ये 20 मिनट 2 सेकंड में। शरण, सुरभि, अभिषेक 14 मिनट्स 46 सेकंड्स। उस वक्त मुझे ये लगा कि नो मैटर व्हाट आई हैव डन आई विल बी इन द फाइनल। Like gang Neha will be in the final. चाहे इस तरफ से सुरभि जाए या चाहे उस तरफ से कशिश जाए। कहीं ना कहीं बहुत खुशी थी, बट मैं अपनी खुशी को रोकना चाहता था, बिकॉज ये लेवल 1 था, लेवल 2 क्लियर करना बाकी था। Wasn't their day and it wasn't mine. निखिल, आपके गैंग से श्रुति यहाँ से नॉकआउट हो गई। Now you have nobody in the game. How does that feel? अभी तो फिलहाल बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही गंदा लग रहा है कि मेरा गैंग बिल्कुल बाहर हो गया है इस कंपटीशन से, रोडीज एक्सट्रीम से। But it is what it is. All right. Having said that, it's time for the semi-final task, and it's time for you guys to leave. Best of luck. Hope to see you guys soon. ये मेरी जर्नी खत्म हो गई, बट मैं पहली बार नहीं रोई अपने जाने पे, क्योंकि मैंने कहा एक दिन तो और बचा है, बस फिनाले बचा है, फिर तो सबकी जर्नी खत्म है। मैंने पूरी रोडीज की जर्नी खत्म की अपनी, और आई एम गोइंग विद प्राइड। अगर टैग नहीं जीती, कार नहीं जीती, तो आई थिंक आई वन अ लॉट ऑफ हार्ट्स, आई वन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। इतना बुरा भी नहीं लग रहा था यार, सेमीफाइनल से बाहर हुए थे, बट कहीं ना कहीं मन में वो था कि यार फाइनल्स एक स्टेप और दूर रह गए थे बस जीतने को शो, और यहाँ से हम बाहर हो रहे हैं। सोनू, एवन इफ यू आर गोइंग, आई एम वेरी सैड, तूने एक भाई कमाया है। वेरी हैप्पी टू सी यू गो एज अ वॉरियर, यू आर माय वॉरियर, माय बॉय।